लेकिन अगर हम बात करें ईडी की, सोनिया गांधी पर शिकंजा क्यों, और तीसरे दिन की पूछताछ में अभी तक क्या क्या हुआ, और कल की पूछताछ में कौन से सवाल थे, ईडी उनके जवाब से कितने संतुष्ट नजर आई, ये भी आज के दिन आपको हम बताने वाले चारुल। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि सवाल पर संग्राम यहां पर छिड़ा हुआ है। सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है, कांग्रेस इसके खिलाफ लगातार सड़कों पर भी है, लेकिन एक अहम चीज उस वक्त सामने आई जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या ईडी की कार्रवाई का विरोध लगातार कांग्रेस करती रहेगी, तो दरअसल राहुल गांधी ने पूरा मुद्दा ही पलट दिया और इसको लेकर आज ट्वीट भी किया और कहा कि हम दरअसल महंगाई और बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं, तो ये कहना कि ईडी की कार्रवाई का विरोध है ये गलत है। नीतू, बिल्कुल, तो तमाम सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में जब सोनिया गांधी से सवाल, तो आखिर क्यों मच रहा है देश में बवाल और कांग्रेस क्यों मचा रही है बवाल, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कुछ तस्वीरें सामने आई है कि किस तरह से जगह जगह कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। आज तीसरा दिन है सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए, कल की बात करें तो 6 घंटे पूछताछ हुई है, और इसके बाद आगे क्या बड़ी बातें हैं ये जल्दी से आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी बड़ी बातें सोनिया गांधी से अब तक पूछताछ में हुई है। 21 जुलाई को ईडी दफ्तर जब वो पहुंची थी तो तकरीबन 3 घंटे तक सोनिया गांधी से सवाल किए गए, और उसके बाद जब दूसरे राउंड की बातचीत हुई है तो उसमें भी 6 घंटे बातचीत हुई है सोनिया गांधी से। 2 राउंड में जब पूछताछ हुई है, जब दूसरे राउंड की बात करें तो 6 घंटे तक उनसे बातचीत की गई, और यह भी कहा जा रहा है कि 2.5 घंटे तक पूछताछ किए गए। कई सवाल जो है पहले सेशन में पूछे गए थे, फिर लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद फिर 3.5 घंटे की पूछताछ की गई है, तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ हुई सोनिया गांधी से। अब तक करीब 50 से ज्यादा सवाल जो है वो पूछे गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और देखिए राहुल से कब हुई है पूछताछ, ये हम आपको बता दें, पहले राउंड की जब पूछताछ हुई थी 10 घंटे पूछताछ राहुल गांधी से हुए हैं, उसके बाद जल्दी से 11 घंटे की पूछताछ सेकेंड राउंड में की गई है, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अगली पूछताछ हुई है वो 9 घंटे हुई है, ये राउंड तीसरी यानी थर्ड राउंड में 9 घंटे की पूछताछ हुई है राहुल गांधी से, तो ये तीसरी राउंड, उसके बाद राउंड 4 में 12 घंटे पूछताछ हुई है, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी से कब का पूछताछ हुई, कितने घंटे की पूछताछ हुई है। और इसके साथ ही साथ अब इस पूछताछ के बाद सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, आज भी लंबी पूछताछ होगी सागर। तो बिल्कुल लगातार देखिए ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई। न्यूज इंडिया के रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ईडी दफ्तर के बाहर हमारी नजर बनी है और जो भी वहां से निकलकर सामने आ रहा है आप तक हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। रवि सर्राफ और अली शरर सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। रवि, पहले आपके पास आऊंगा, आज की पूछताछ में अभी तक क्या क्या हुआ? अली, चलिए रवि आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए लौट कराएंगे। जिस तरह से न्यूज इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी, और अब कांग्रेस ये कह रही है कि यहां पर हम महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि भी लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। रवि, ताजा अपडेट क्या है, अभी तक क्या कुछ हुआ पूछताछ में? रवि तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अली, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ अली, सवाल मेरा यहाँ है, ये है कि जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है, क्या अभी तक इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, क्योंकि आप ईडी दफ्तर के बाहर है, बाहर की हलचल किस तरह की, और क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक भी होना है, इससे पहले अभी तक की जो पूछताछ चल रही है क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी तक 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है जहां सोनिया गांधी से पूछताछ जारी है ईडी के अधिकारियों द्वारा, और उन तमाम सवालों के जवाब आज ईडी को चाहिए जो पिछले 2 शिफ्टों में उनसे पूछे गए थे, यानी कि आज तीसरा दिन और अंतिम दिन माना जा रहा है उनकी पूछताछ के लिए। इससे पहले जब राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने सारा ठिकरा मोदीलाल बोरा के सर पे ठेक दिया था, उन्होंने कहा था कि उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आज उन तमाम सवालों के जवाब ईडी को चाहिए जो सोनिया गांधी से पहले भी किए गए थे और आज भी किए गए, तो ऐसे महत्वपूर्ण सवालों की पूछताछ अंदर जारी है। अभी उनके वकील भी जब अंदर दाखिल हुई थी 11 बजे सोनिया गांधी, तो उनके वकील भी अंदर गए थे, कई अहम दस्तावेज जो मंगाए गए थे, क्योंकि करोड़ों के घोटाले का गबन का पूरा मामला है। साल 2010 से शुरू हुई थी कहानी, जो कि यंग इंडिया
कंपनी बनाई गई थी और उसमें करोड़ों का घोटाला किया गया था, लेकिन इस पूरे मामले पर 76% के जो हिस्सेदार थे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो ईडी को आज उनसे पूछने और उन्हें देने होंगे। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अली आज हो सकता है कि आज आखिरी दिन हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ईडी अगर जवाबों से संतोष अगर वो नजर नहीं आती है, उसे संतुष्टि नहीं होती है, तो क्या कल का दिन भी या फिर आगे का दिन भी बढ़ सकता है सोनिया गांधी से सवाल पूछने का? देखिए बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर आज ईडी के अधिकारियों को सवालों के जवाब नहीं मिले तो आगे की भी तारीख रखी जा सकती है, आगे भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे मामले की देखरेख जो कर रही है वो तेज तर्रार अधिकारी ईडी की एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा कर रही हैं, जो कि तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती है और वो ऐसे तमाम पहलुओं पर बात कर रही हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब उन्हें चाहिए सोनिया गांधी से, जो सोनिया गांधी को आज देने होंगे। रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 हाँ, आप विजय चौक से वहाँ से आप मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरह का क्या कोई प्रदर्शन इस वक्त आपने देखा है? क्योंकि हम आपके पीछे देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग जबरदस्त तरीके से की गई है, सुरक्षा के कितने इंतजाम और क्या कोई प्रदर्शन यहाँ पर अभी तक हो पाया है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के जो सांसद संसद भवन में मौजूद थे उन्होंने पहले गांधी प्रतिमा के समीप प्रदर्शन किया, उसके बाद संसद भवन से निकलकर यहाँ विजय चौक तक बाहर आए और यहाँ तक मार्च की और हमने सांसदों से बातचीत करने की कोशिश की। सांसदों का ये कहना है कि यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे, राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते थे, हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से कोई वक्त नहीं दिया गया। तो तमाम सांसदों को दिल्ली पुलिस के जवानों ने यहाँ से डिटेन किया है और अलग अलग थानों में लेकर जा रहे हैं। तो कांग्रेस जो है चरणबद्ध तरीके से देखिए प्रोटेस्ट कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रही है। पहले संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा के नज़दीक प्रदर्शन किया गया, उसके बाद विजय चौक तक मार्च किया गया, यहाँ से पुलिस ने सांसदों को डिटेन कर लिया। तो कांग्रेस दफ्तर में जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो चौक चौराहा पर खड़े हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को लेकर हंगामा कर रही है, हल्ला बोल कर रही है। हालांकि हमने सांसदों से बातचीत करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि असल मुद्दा क्या है, क्या सिर्फ ईडी को लेकर वो हंगामा कर रहे हैं, ईडी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सांसदों का कि ये ईडी का विरोध है, लेकिन अब मसला जो है वो बदल चुका है, अब कहा जा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये विरोध हो रहा है। अली, आपके पास आना चाहेंगे, आपको याद होगा ये वही टीम है जिसने राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी, यही टीम है जिसने राहुल गांधी से सवाल किए थे, अब यही टीम सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर रही है और लगभग 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी के मसले में अगर बात की जाए तो अब क्या लगता है आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक ईडी सोनिया गांधी के सवालों से संतुष्ट नहीं है, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए लगातार ईडी के दफ्तर बुलाया जा रहा है सोनिया गांधी को। देखिए बिल्कुल ईडी के अधिकारियों ने साफ कर दिया था पहले ही कि उन्हें तमाम सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि करोड़ों का ये पूरा गमन घोटाला है और ईडी पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। ईडी को इन तमाम सवालों के जवाब उनसे चाहिए सोनिया गांधी से, जिसके लिए उनको बुलाया गया, क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी को बुलाया गया था तो राहुल गांधी ने अपनी पक्ष रखते हुए अपनी बात कहते हुए तमाम बात को अधूरी छोड़ी थी, जिसके चलते अब उनको सोनिया गांधी को बुलाया गया। हालांकि सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो पिछले कई वर्ष से बीमार चल रही हैं और उनका हालचाल जानने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाल जाना था, तो वो बीमारी से भी जूझ रही हैं। लेकिन बावजूद इसके भी ईडी के अधिकारी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उनको लंच के लिए भी भेजते हैं, बाद में उसके सवालों के जवाब उनसे चाहते हैं जो उन्हें चाहिए। जी लेकिन रवि, क्या इसे सत्याग्रह के नाम पर सियासत भी बोला जाए, जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, ईडी के अंदर अगर पूछताछ चल रही है तो प्रदर्शन के नाम पर अब ये कहा जा रहा है कि हम महंगाई को लेकर, बढ़ती जीएसटी को लेकर हम धरने पर हैं, उसके पहले कांग्रेस को याद नहीं आया कि हमें प्रदर्शन करना है जीएसटी और महंगाई पर? सागर, देखिए राजनीतिक दल है तो जाहिर सी बात है वो सियासत की बात करेंगे, सियासत करेंगे। जहां तक महंगाई को लेकर और जीएसटी को लेकर बात है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और सांसदों का कहना है कि जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता फोन लाइन पर। कृष्णम जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद कृष्णम जी। बीजेपी से सत्याग्रह के नाम पर सियासत बता रही है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं,
क्योंकि इस प्रदर्शन की याद आप लोगों को ईडी में पूछताछ के वक्त ही आई है। देखिए, प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2004 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी हर तीसरे दिन कभी मटके फोड़ती थी, कभी घड़े फोड़ती थी, कभी प्याज के मालाएं गले में डालती थी, कभी बस रोकती थी, कभी पार्लियामेंट रोकती थी, कभी पार्लियामेंट को चलने नहीं देते थे, कभी रेल रोकते थे, कभी भारत बंद करते थे। तो वो सब डेमोक्रेसी था, प्रजातंत्र था, और ये जो कांग्रेस कर रही है ये सब डेमोक्रेसी नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं है। तो जो बीजेपी ने कर दिया वही आप भी करेंगे, बीजेपी ने जो गलती की वही आप भी तब इसका मतलब दोहरा रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि बीजेपी ने गलत किया। जब हमारी सरकार थी तो हम बीजेपी के प्रदर्शन को कभी अलोकतांत्रिक नहीं कहते थे, देशद्रोह नहीं कहते थे, लेकिन पहला मौका है कि कांग्रेस पार्टी गांधी के रास्ते पे चल के बहुत ही अहिंसक रूप से अपना प्रोटेस्ट करना चाहती है, वो प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा, ये मेरा कहना है। अगर हम जंतर मंतर बैठते हैं तो बैठने नहीं देते हैं, अगर पार्लियामेंट के बाहर आकर के मेंबर पार्लियामेंट प्रदर्शन करना चाहते हैं तो नहीं करने देते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं तो नहीं हमारे तमाम नेताओं को बालों को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट करके हिरासत में लिया जा रहा है, सारे सीनियर लीडर्स को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो गली मोहल्ले के चोर उचक्के हों, कोई जेब कतरे हों, कोई गुंडे मवाली हों। लेकिन तो प्रमोद साहब मैं नहीं तो बोल रही हूँ, मुझे ये समझाइए, वाकई ये दुर्भाग्य है कि हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं कि सांसद हो या फिर इसके साथ ही साथ जो बाकी नेता हैं उनके साथ इस तरह से सलूक किया जा रहा है। मैं भी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उससे सहमत हूँ, लेकिन हर दिन तो यही तस्वीरें आ रही है, कोई और रास्ता नहीं अपनाना चाहिए? आपको नहीं लगता कि इस विरोध का रास्ता कोई और हो ताकि आम जनता को भी परेशानी ना हो, क्योंकि रूट देखिए डाइवर्ट किया गया है, ट्रांसपोर्ट जो है इस वक्त ठप हो जाता है जब इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है सुबह सुबह ही हम देखने शुरू कर देते हैं, तो इसका क्या दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए कांग्रेस के पास? देखिए नीरज जी, मैं आपसे सहमत हूँ, आप मेरी बात से सहमत दिखाई दिए, सवाल इस बात का है कि प्रजातंत्र में अपना विरोध करने का एक ही तरीका है कि हम आवाज उठाएं, प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट का मतलब है हम अनशन करें, मौन रखें, नारे लगाएं, काली पट्टी बांधें, या हम लोग सड़क पर निकल करके अपना प्रदर्शन करें। अब आप कहते हैं प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, आप कहते हैं बैठ सकते नहीं हैं, आप बोलने पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। जहाँ तक सवाल आपका इशारा है कि कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता, तो प्रजातंत्र में विरोध का और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। अब सवाल उठता है कि रोज क्यों किया जा रहा है, आज कल परसों डेली क्यों किया जा रहा है? भाई जब जुल्म जब जब होगा तब तक उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अब ईडी का और सोनिया जी का जो सवाल है पूछने का, पूछताछ का, हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं है। आप ईडी बिल्कुल पूछताछ कर सकती है, लेकिन क्या ये पूछताछ सोनिया गांधी से उनके घर पे नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन चलो ईडी ने कहा कि आपको हमारे यहाँ आना है, ईडी के दफ्तर सोनिया जी गई। लगभग 80 साल की उम्र की सोनिया गांधी हो रही हैं और वो पूछताछ ईडी के दफ्तर में जाकर के ईडी को कॉपरेट कर रही हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि ये ईडी जो है, ये सीबीआई जो है, ये पूछताछ नहीं कर रही है, पूछताछ के नाम पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बेइज्जत करना चाहती है, कांग्रेस की तौहीन करना चाहती है। लेकिन आचार्य प्रमोद जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से घर पर पूछताछ हो पाती, लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर आपके पास इतने मुद्दे हैं तो आप सदन में उठाइए, आप सदन के बजाय आप सड़कों पर मुद्दे उठाते हैं, जिसको लेकर बीजेपी का भी ये कहना है कि अगर ऐसी बात है, अगर आप सही है, कोई चोरी नहीं की है, तो फिर आखिर डर किस चीज का? और ऐसा तो नॉर्मल होता है, अगर पुलिस भी किसी को अरेस्ट करती है तो पूछताछ में सहयोग किया जाता है, अगर आप सही होते हैं तो वहां पर भी इंसाफ मिलता है, फिर ईडी की कार्रवाई से डर कैसा है कांग्रेस को? नहीं, अगर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस को डर होता तो सोनिया जी ईडी के कार्यालय जाने से बचने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहाँ बचने की कोशिश की? प्रश्न ये है कि अगर सोनिया गांधी को ईडी बुलाती है, सीबीआई बुलाती है, तो वो जा रही है, या कांग्रेस के किसी भी नेता? आचार्य जी, आपको रोक रहा हूँ, देखिए आपका जवाब देने के लिए राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। राकेश जी, कांग्रेस का ये कहना कि अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या है बीजेपी को? बीजेपी भी ऐसे ही करती थी, अपने मुद्दों को लेकर कभी ट्रेनों को रोक देती थी, कभी आगजनी करती थी, वो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाई है। नहीं, एक बात तो स्पष्ट कर दे, भारतीय जनता पार्टी किसी भी आंदोलन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती, और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन अपने लिए कभी नहीं करती है,
भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए जब भी आंदोलन किया है वो जनता के लिए किए हैं, जन समस्याओं के लिए किए हैं। कांग्रेस का आज आंदोलन कांग्रेस के प्रथम परिवार के लिए है, कांग्रेस के नागरिकों के लिए है। इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ क्योंकि तो इन्हें लगता है कि संविधान से ऊपर है, राहुल जी संविधान से ऊपर है। प्रमोद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कांग्रेस नेता, जिन्होंने ये कहा कि हम सत्याग्रह करना चाह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वो भी हमें करने नहीं दिया जा रहा। गांधी प्रतिमा के पास हम बैठना चाह रहे हैं, हमें वो भी नहीं किया, उसकी भी इजाजत नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों है, अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह या आंदोलन कर रहे हैं तो बीजेपी या फिर जो पुलिस है दिल्ली पुलिस वो उनको उठा देती है, जबरदस्ती उनके साथ करती है, तो ऐसा क्यों है? तो ये पहली बात तो सत्याग्रह नहीं है, ये तरह से दुराग्रह है। ये देश की एजेंसियों के खिलाफ, देश की न्यायपालिका के खिलाफ, देश के क्रिमिनल जस्टिस खिलाफ सिस्टम के खिलाफ ये कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनका विश्वास नहीं है देश की एजेंसियों पर। आपको लगता है लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी क्या कुछ कहेंगे, क्या आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं इस आंदोलन से, इस प्रदर्शन से? देखिए, जब कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था दिल्ली में, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उसके खिलाफ जो बीजेपी के प्रोटेस्ट थे, क्या वो लोगों को भड़काने का काम था? जब 2G 3G घोटाला हुआ उसमें जो प्रोटेस्ट थे, जिसमें अन्ना आंदोलन भी हुआ, क्या वो लोगों को भड़काने का काम था? क्योंकि किसी भी अदालत ने उनमें किसी भी कांग्रेस के नेता को सजा नहीं दी, दोषी नहीं ठहराया, ठीक है, छोटे मोटे एक आध नेता को छोड़ करके। तो सवाल इस बात का होता है कि जब बीजेपी प्रोटेस्ट करती है वो जन साधारण के लिए होता है, वो देश हित में होता है, और अगर कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है तो वो जनता के खिलाफ होता है, वो देशद्रोह होता है, या वो अराजक होता है, या वो किसी परिवार को बचाने का काम होता है। भाई, परिवार का जहाँ तक सवाल है, वो परिवार नहीं, कांग्रेस की लीडरशिप अगर उस परिवार पर है और उस परिवार को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राकेश त्रिपाठी जी से कि भाई, राहुल गांधी जी को जब बुलाया, 5 दिन तक आपने सवाल किए और 55 घंटे के करीब पूछताछ हुई, उसके बाद सोनिया जी लगातार जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा घोटाला है ये जो नेशनल हेराल्ड का, तो फिर आप 8 साल से आपकी सरकार है, आपको याद ही अभी 2022 में क्यों आई? आपको पहले नहीं याद नहीं आई? 5 साल आपकी सरकार थी तब याद नहीं आई? सवाल इसका है कि 2024 पहले सोनिया गांधी जी के परिवार को बदनाम कर दिया जाए। ठीक है आचार्य जी, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी जवाब दीजिए कि अभी आप क्यों आए, ये इनका मोटिव है। देखिए, आचार्य जी ने स्वयं जवाब दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने घोटालों के खिलाफ आंदोलन किए थे और ये एक घोटाले बाजों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आप घोटालों को उजागर करने के लिए आंदोलन करिए, बिल्कुल आपके साथ खड़े होंगे, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर मोदी सरकार ने या किसी राज्य की सरकार ने कहीं कोई घोटाला किया है, आप घोटालों के खिलाफ आंदोलन करिए, जनता भी आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन आप घोटालेबाज की बात सही है कि पूरी तरह से यंग इंडियन ने पूरी तरह से एजीएल की प्रॉपर्टीज को कब्जा करने का काम किया, जिसमें सोनिया जी के और राहुल गांधी जी की 80% फीसदी की। ठीक है, चलिए राकेश जी, अगली बार आप जुड़ेंगे फिर और सवाल जवाब होंगे। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।